तो यार कैसे हो भाई लोग, बिना किसी टाइम वेस्ट डायरेक्टली अपने गेम प्ले की तरफ, जहाँ पे हम खेले होते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और हॉट ड्रॉप करते हैं नोवो रिपनॉय। तो यार सबसे पहले अपना गन लेते हैं और बंदे ठिलाने में लगते हैं। और ये बंदों की किस्मत खराब थी जो यार हमसे बाद में उतरे, और इसी के साथ एक बॉट आता है तो हम मार देते हैं यार। केडी कुडी भी रखना रहता है भाई। तो अब भी यहाँ पे तीन बंदों को मारने के बाद मुझे पता चलता है कि वहाँ पे और भी बंदे हैं, जो क्योंकि हम तो अकेले आ नहीं रखे हैं नोबो रिपनॉय। डर चलते हैं उनकी तरफ, खिलाते हैं उन्हें भी भाई। तो यार अभी यहाँ बैठ के ये बंदा अपने बंदे को रिवाइव दे रहा है, वो भी ओपन में। भाई कुछ तो शर्म कर लो भाई, कहीं से भी पड़ सकती है। और बाकी एक बंदे को मैंने नॉक यहाँ पे कर रखा था, उसका दूसरा बंदा शायद आने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पे कैंप करके बैठा हुआ था कि कब वो आएगा और मैं उसको मारूंगा। और भाई जैसा कि मैंने कहा था यार, बंदा आया, हमने ख़त्म किया उसको। तो यार जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे देखा एक बंदा वहाँ पे भाग रहा है। भी यहाँ पे मैं गाड़ी लेने के लिए आता हूँ यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी मुझे आता है फुटस्टेप और हम करते हैं यहाँ पे बॉट फायरिंग। सिक्स सिक्स मिल गया M4 के साथ, तो भाई और क्या चाहिए, चलो मारते हैं बंदों को। और क्या भाई, ये मैं आ गया मिलिट्री जहाँ पे मैं देखता हूँ बंदे। ना डैमेज देने के बाद भाई एक भी किल नहीं मिला, तो यार दिमाग ख़राब हुआ। तो यार सीधा अंधारस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ।
सर भी इनको लूट के हम चलते हैं भाई सीधा रस करने के लिए। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ड्रॉप लेने के लिए, लेकिन अभी देखना क्या गलत सीन होते हैं भाई एक बंदे के साथ। मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, फिर आता है ये बंदा भाई ड्रॉप लेने आए हो या क्या करने आए भाई। सोलो वर्सेस स्क्वाड मैं खेल रहा हूँ, चलो हाँ मान लिया कि मैं मरना है या मरना है, लेकिन तुम तो स्क्वाड में खेल रहे हो ना भाई, अकेले क्यों आ गए भैया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्रिज कैंप करने के लिए, लेकिन मेरे को पता चलता है कि ये यहाँ पहले से ही ब्रिज कैंप हो रखा है। एक बंदे को यहाँ पे नॉकआउट करने के बाद मैं डायरेक्टली रश करने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि वहाँ से दो बंदे से शायद थे इसीलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पे रश करने के लिए सोचा, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि वो बंदा नीचे कूद गया था। वहाँ से घूम के आके प्लान करके इसको मार दिया दोनों बंदों को भाई। M416 स्प्रे इज ओपी। ओपन में कौन सा बनता है सीरियसली ब्रो। तो यार अभी यार तीन बंदे बाकी हैं, तीनों के तीनों एक ही स्क्वाड के हैं, तो यार मैं यहाँ पे शॉट्स देता हूँ कार 9 टिट के, लेकिन मेरे को पता चलता है कि भाई यहाँ पे यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, तो डायरेक्टली हम रश करते हैं वहाँ पे।
अभी यहाँ पे आके हमको प्री फायर का मज़ा देखने को मिला, जहाँ कि ये बंदा भाई आराम से नॉकआउट होके मर गया। अभी बचे हैं दो बंदे, जहाँ कि मैं नेड नोड करता हूँ लेकिन कोई नॉकआउट होता ही नहीं है भाई। और भाई साहब यहाँ पे आप सब लोगों के लिए एक बोनस क्लिप लेके आया हूँ, जो मैंने एक हैकर को मारा। भाई देखो मैं क्यों इसको हैकर बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही देखो और डिसाइड करो। देखो यहाँ पे मैंने बंदा नॉकआउट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे पीछे थोड़ा आ गया। अभी देखना वहाँ पे बंदा देखो कितना जल्दी जा रहा है भाई, मैं उसको लिटरली देख रहा हूँ कितना जल्दी मूव कर रहा है। उसके बाद हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। बाय द वे ये वाला मैच भी अच्छा गया था, लेकिन यार ये साउंड की प्रॉब्लम की वजह से यार मतलब डिलीट करना पड़ा ये। तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वॉइस ओवर भाई पहले टाइम कर रहा हूँ, तो यार अगर कुछ गलती हो गई हो तो भाई माफ़ करना। और भाई चलते हैं आज के लिए इतना ही बस, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को शेयर कर देना यार, इतना तो कर ही सकते हो भाई के लिए। तो यार चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।